नमस्कार, डिजन हंजल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम चुनावी दंगल। आज हमारे बीच में है वार्ड क्रमांक 26 थावरे बाजार वार्ड से भाजपा कैंडिडेट के रूप में मौजूद है हमारे साथ में दीपिका मुरलीधर गुर्जर और कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में मौजूद है ईशान सोलंकी। हम आपको बता दें कि यह दोनों कैंडिडेट जो है सक्रिय राजनीति में, इन दोनों का पहला कदम है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, दोनों के परिवार से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी चाहे भाजपा के कांग्रेस के, यह दोनों सक्रिय राजनीति में पहला कदम रख रही हैं। इस वजह से इनके आप भावनाओं को समझिएगा, इनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो भी कह रहे हैं इनके सिर्फ बातों में सेवा का भाव है और ये दोनों अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहती हैं, समस्या जानकर वार्ड की और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने की सिर्फ इनकी योजना है। इस वजह से ज्यादा ना बोल पाए तो कम से कम इनके शब्दों का सम्मान और इनकी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला सवाल दीपिका जी आपसे, क्या कुछ क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं और कैसे उनको आप दूर करेंगे? जी, बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर जीत गई तो विधायक जी चेतन काश्यप के सहयोग से मैं सबसे पहले जो अवैध कॉलोनी है उनको वेद जो हो गई है, तो सड़क का निर्माण, पाइपलाइन, बिजली के खंभे की व्यवस्था नहीं है, वे वहाँ पर व्यवस्था करवाना, ये काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईशा जी, क्या आपको जनसंपर्क में घूमी है तो कैसी आपको समस्या देखने को मिली है और क्या कुछ परेशानी जनता बता रही है? जनता के हिसाब से सड़कों की प्रमुख समस्या है, लाइटों की, और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं सड़कों का निर्माण कर सकूं, नालियों का, और जो प्रमुख समस्या है उनका समाधान मैं कर सकूं। जी दीपिका जी, फिर आपसे क्या आपको प्रमुख समस्याएं आपने चिन्हित की है, थोड़ा सा आप जोर से बोलिएगा कि किस तरह से आपने प्रमुख समस्याएं चिन्हित की है और आपका क्या प्रधान प्रयास रहेगा यदि आपको जनता चुन के भेजती है तो? अगर मुझे जनता चुनकर भेजती है तो सबसे पहले मैं जो अवैध कॉलोनी है जहाँ पर सड़क नहीं है, नल की पानी की समस्या है और अपने बिजली की समस्या है, उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। और ईशा जी, आपने कुछ सोच रखा है कि यदि कौन सी समस्या तय कर रखी हुई, यदि मैं आई तो सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करूँगी? जी, मुझे चुनते हैं तो मैं सड़कों का निर्माण, टूटी हुई नालियाँ और जो गंदगी है, जैसे कि कचरे की गाड़ी का टाइम पर नहीं आना, कर्मचारियों का सफाई कर्मचारियों का डेली नहीं आना, उन सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। पोल नहीं है लाइट के, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। जी, हम आपको बता दें कि आज हमारे बीच में जो है वार्ड क्रमांक 26 थावरे बाजार वार्ड से कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में ईशा सोलंकी है, वही भाजपा कैंडिडेट के रूप में दीपिका मुरलीधर गुर्जर हैं जो अपने भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और यदि थावरिया बाजार वार्ड की यदि हम बात करें तो भंडारी गली धवाजी का वास थावरिया बाजार, रत्नेश्वर रोड ओकाला, बसंत कॉलोनी मेहताजी का वास, लंबी गली बिचला वास और हकीमपाड़ा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ये काफी बड़ा एरिया है, उसके अंदर काफी समस्याएं भी हैं, लोगों की कई तरह से मूलभूत सुविधाएं जिसको नगर सरकार का प्रथम दायित्व होता है, सड़क, पानी, बिजली, गंदगी, ये सारी चीजें अधिकांश जगहों से नदारद है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश भी है। और हम इसके साथ में एक बात और बता दें हम आपको कि नगर सरकार का कार्यकाल खत्म हुए करीब 3 वर्ष हो गए, जिसकी वजह से क्षेत्र का समुचित जो विकास की जो चेन चल रही थी, जो विकास की कड़ी जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी और लापरवाह जिम्मेदारों की वजह से टूटी है, जिससे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया और छोटी छोटी समस्याएं आज जनता के बीच में बड़ा रूप धारण कर चुकी है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही कैंडिडेट को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और उनकी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। हम वापस रुख करते हैं दीपिका मुरलीधर गुर्जर की हो जी, क्या कुछ और प्राथमिकता में है आपका कि भाई जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन जनता ने कौन सी ऐसी समस्या बताई है जिसको लेकर आप पूरा करेंगी और यदि आपको जनता वोट दे तो क्यों दे, उसका क्या कुछ कारण है? अधिकतर समस्या तो सड़क की है और नाली, कर्मचारी सफाई करने नहीं आ रहे, ये अधिकतर समस्या मुझे मिली है कि इधर कर्मचारी नहीं आ रहे, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगी।
जी आप बताएं, आपने कुछ ऐसा सोच रखा है कि भाई जनता वोट क्यों दे, क्या कुछ कारण है, और यदि मैं जीती तो सबसे पहला काम इसको करूं? जी जैसा कि आपने पहले बताया है कि जो अधिकारी है, जिन जो चेन टूट गई है वार्ड में, जो समस्याओं का समाधान होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है, तो वो एक मेन मार्केट वाला एरिया है सारा जो हमारा वार्ड है, तो हम चाहते हैं कि उसमें जल्दी से जल्दी सुधार हो। और जो पहले जो प्रतिनिधित्व थे उन्होंने जो किया उस हिसाब से हम और कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं उस वार्ड में, इसलिए ये सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी से जल्दी करना है। आप दोनों ही कैंडिडेट, हम आपको बता दें कि सक्रिय राजनीति में दोनों का पहला कदम है, इस वजह से उनके शब्दों की समझने की कोशिश कीजिएगा, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनका सिर्फ उद्देश्य आपकी सेवा करना है, आपके क्षेत्र का विकास करना है। इनका दोनों का सक्रिय राजनीति से दूर दूर तक आज से पहले कहीं ताल्लुक नहीं था, इस वजह से ये दोनों सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं अपनी भावनाओं के माध्यम से आपको अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए आप ये दोनों आपसे आशीर्वाद चाह रही है कि भाई जिनको भी आशीर्वाद मिलेगा वो अपने क्षेत्र का विकास ईमानदारी से करेंगी। आप दोनों से मेरा एक ही सवाल, क्या कुछ महापौर में योग्यता होना चाहिए और कैसा होना चाहिए महापौर? पहले दीपिका जी। हमारा महापौर समाज की सेवा कर सके, अपने जो है उनके सबके परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे जो व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था बनाए रखें और समुचित शहर का विकास कर सके। अब फिर मेरा एक ही निवेदन आपसे इसे वापस की है, एक क्षेत्रीय सक्रिय राजनीति में इनका पहला कदम है, इस वजह से सिर्फ इनकी भावनाओं को समझिएगा, ये शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बोलने में असमर्थ था और असहज महसूस कर रहे हैं। दीपिका जी, ईशा जी, आप बताएं। जी हमारे महापौर जी ऐसे होने चाहिए जो जन कल्याण और पूरे शहर की समस्याओं को समझ के अपने अंदर उतार के और पार्टी की तरफ से पूरी तरह से उसका समाधान कर सके और पूरे नगर को, पूरे शहर को स्वच्छ और अच्छा बना सके, सारी समस्याओं का समाधान हो, जनता जितनी परेशान है किन्हीं चीज़ों से वो सारी दूर हो। हम आपको बता दें कि हमारे भाई बीच में वार्ड क्रमांक, हमारे बीच में अभी फिलहाल वार्ड क्रमांक जो है 26 से थावड़ा बाजार क्षेत्र से भाजपा कैंडिडेट के रूप में दीपिका मुरलीधर गुर्जर है और कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में ईशा सोलंकी है, जो दोनों ही प्रत्याशी क्षेत्र में अपने अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और दोनों ही सक्रिय राजनीति में पहला कदम है, इस वजह से ये ज्यादा कुछ नहीं कह पा रही है, बोल नहीं पा रही है, सिर्फ इनको अपने क्षेत्र की समस्याएं दूर कर आपका आशीर्वाद लेकर दोनों को में से जिसको भी मिले, आप जिनको भी चुने उनको आशीर्वाद मिले और ये अपने क्षेत्र की सेवा कर सके, यही सोचकर आपके बीच में दोनों कैंडिडेट आई है। और इसके साथ में दो अन्य कैंडिडेट और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, यदि हमारा उनसे संपर्क होता है, यदि उनसे हमारी बात होती है या वो हमसे संपर्क करते हैं तो निश्चित ही हम उन दोनों का भी पक्ष लेंगे, उनकी बात जानेंगे, उनको भी सुनेंगे और उनके भी विचारों के माध्यम से अवगत कराएंगे कि वो किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, किस तरह से उनकी जीत के दावे हैं, किस तरह से वो उन समस्याओं को, जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। दीपिका जी आप हमारे कार्यक्रम में, आपका भी बहुत धन्यवाद। ईशा जी आप हमारे कार्यक्रम में, आपका भी बहुत धन्यवाद। हम आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का दायित्व ऐसे लोगों को दें जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, अपने शहर का विकास कर सके, सिर्फ विकास के दावे नहीं विकास की बात कर सके, विकास का अर्थ जो सिर्फ समझाएं आश्वासन में नहीं जबकि विकास को सही रूप से परिभूत और परिभाषित भी कर सके, ऐसे लोगों को अपना क्षेत्र का और शहर का दायित्व दे और आप मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट अपने शहर और अपने क्षेत्र के विकास में बड़ा मायने रखता है, जो आपका प्रतिनिधित्व चुनकर नगर सरकार में भेजता है और वही नगर सरकार आपके क्षेत्र में और आपके शहर का विकास कर सकती है। तो जागरूक रहें, मतदान अवश्य करें, हम फिर मिलेंगे नए वार्ड, नई सोच, नए लोगों के साथ में, नए दावों के साथ में, तब तक देखते रहिए चुनावी दंगल। नमस्कार।